जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी इन अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि आपके अरिहंत के प्रैक्टिस सेट से है। ठीक है, जो अरिहंत का नया वाला प्रैक्टिस सेट है, ये वाला बुक, तो इसके 15 प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे। आज पहला प्रैक्टिस सेट है और भाग कौन सा है, सामान्य हिंदी का। 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उसके ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी बना दिए जाएंगे और उसके लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप सभी ग्रुप में जुड़ जाएं, व्हाट्सएप का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां जुड़ जाएं, या कोई भी दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है हिंदी का, तो सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश क्या दिया गया है, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। प्रश्न आपको दिया गया है, अनुचित बातों के लिए आग्रह। अब देखिए, अनुचित बातों के लिए जो आग्रह होता है उसको दुराग्रह कहा जाता है। तो दुराग्रह आपको बी में दिया गया है, इसलिए 61 का उत्तर बी हो जाएगा। बाकी कुआग्रह दिया गया है, ये कोई शब्द नहीं होता। उसके बाद आपको सी में दिया गया है दुर्विग्रह। तो दुर्विग्रह मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो सरलता से पकड़ा ना जाए। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए दिया गया है डी में दुर्वाह। तो दुर्वाह का मतलब क्या होगा, जिसका वहन या धारण करना कठिन हो। समझ गए, तो उत्तर आपका हो गया 61 का डी। चलिए आगे बढ़े, 62 आपको दिया गया है जीतने की इच्छा। देखिए जीतने की इच्छा, इसके आपका उत्तर होगा जिगीसु या फिर जिगीसा। ठीक है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। एसएससी जीडी के एक सेट में आपको देखने को मिला होगा जिगीसा दिया गया था सिर्फ। ठीक है, जिगीसा था एग्जाम में, तो आप जिगीसा हो या जिगीसु हो आप ये टिक करना। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार पूरा क्लियर कर देता हूं कि जीतने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति वह कहलाता है जिगीसु, और जो जीतने की इच्छा होती है उसको जिगीसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये त्रुटियां दी रहती है लेकिन आपको इस प्रकार से चलना है, तो इसलिए ए का चयन आप करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए अजय दिया गया है, तो जिसको जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। ठीक है, फिर आपको दिया गया है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासु कहलाता है, जिसको आप कह सकते हैं उत्सुक व्यक्ति। ठीक है, उसके नीचे दिया गया है धीवर। तो धीवर जो है मलाह जाति के लिए है, और मलाह क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम और उसे बेचने का काम। तो 62 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े, 63 दिया गया है जिस पर विजय पाना कठिन हो। तो जिस पर विजय पाना कठिन है उसे कहा जाता है दुर्जय। ठीक है, यहाँ देखिए डी में दिया गया है दुर्जय, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको दुष्कर दिया गया है, तो दुष्कर मतलब होता है जिसे करना कठिन हो। ठीक है, उसको दुष्कर बोला जाता है। फिर आपको नेक्स्ट दिया गया है दुर्दम्य, तो दुर्दम्य मतलब होता है जिसका दमन करना कठिन हो। अब दमन शब्द क्या होता है, आपने दमन सुना, लेकिन दमन का मतलब क्या होता है, दमन का मतलब होता है बल पूर्वक शांत करने का काम। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है दुर्लभ, तो दुर्लभ क्या होता है, जिसे प्राप्त करना मुश्किल होता है वह कहलाता है दुर्लभ। तो 63rd का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए आपको निर्देश दिया गया है, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहां पर 64 में दिया गया है इर्षत। इर्षत का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। ईर्ष्यत का मतलब होता है कम, ठीक है, अल्प कह सकते हो या फिर आप थोड़ा कह सकते हो। ठीक है, तो इसका विलोम आप बता सकते हो आप। अब यहां पर आपको दिया गया है पर्याप्त, उपयुक्त, प्रचुर, ठीक, तो इसमें से आपका पर्याप्त हो जाएगा ईर्ष्यत का विलोम। ठीक है, पर्याप्त मतलब उचित मात्रा में, ईर्ष्यत मतलब अल्प मात्रा, कम मात्रा में। ठीक है, तो उत्तर आपका 64 का ए हो जाएगा, ईर्ष्यत का विलोम जो है वह आपका पर्याप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़े, 65 दिया गया है उत्सुक। उत्सुक का क्या हो जाएगा विलोम, उत्सुक का विलोम होगा अनुत्सुक। यहां पर अ लगाकर इसका विलोम बना दिया जाता है, अनुत्सुक आपके बी में दिया गया है, तो 65 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 66 दिया गया है उत्थान। उत्थान का होता है पतन। उत्थान मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर उठना, और पतन मतलब खत्म हो जाना, नीचे गिरना। ठीक है, तो 66 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपने समझ लिया, प्रीवियस ईयर के वीडियोस दिए गए हैं, चलिए उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। दोस्तों ये रहा आपका हिंदी का प्लेलिस्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 से लेकर अभी तक के सारे पेपर कराए गए हैं। ये रहा आपका 2011, 12, 13, 15, 19, ठीक है, उसके बाद फिर आपका देखिए कंटिन्यूअसली 19 का सारा क्लास दिया गया है,
उसके बाद आप देख सकते हैं फिर 2021 का क्लास दिया गया है। तो कुल 39 वीडियोज हैं, ठीक है, 39 वीडियोज प्रीवियस ईयर के हिंदी के हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप प्रैक्टिस सेट्स को भी लगाइए और प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको निर्देश दिया गया है, दिए गए वाक्य में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हैं उसका उत्तर के रूप में चयन करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें, ठीक है। अब देखिए यहां पर 67 में आपको दिया गया है, मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी। अब देखिए, मैंने अपनी आंखों से, यहां पर क्या होता से, मैंने अपनी आंखों से वह घटना देखी, तब जाकर यह वाक्य शुद्ध हो जाता। तो यहां पर इसमें त्रुटि है ना आंखों की, तो आंखों की वाला ऑप्शन ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है। तो 67 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, आपके बी वाले हिस्से में त्रुटि थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 68 दिया गया है, यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है। देखिए यहां पर क्या हो सकता था, यह मेरा भाई है जो जो मेरे साथ रहता है, तब जाकर यह वाक्य शुद्ध होता। तो इस हिस्से में त्रुटि है, इस हिस्से को आपको ढूंढना है, यह मेरे साथ रहता है, ठीक है। यह की जगह जो का प्रयोग होगा, या फिर आप वह का ही प्रयोग कर सकते हैं, वह मेरे साथ रहता है, ठीक है, तब जाकर यह सर्वनाम से सही होगा और यह जाकर कारक, दो तरीके से आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। तो यहां पर इसमें त्रुटि है, तो 68 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए अब देखिए 69 दिया गया है, अधिकांश लोगों का यही हाल है। देखिए यदि हम अधिकांश का प्रयोग करते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि हम तुलना कर रहे हैं। अधिकांश जो लगता है वह तुलनात्मक होता है, और यह क्या होता है, यह आपका एक वचन होता है। लेकिन यहां पर क्या चर्चा की गई कि अधिकांश लोग की यही हालत है, तो बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकतर का प्रयोग होगा, अधिकतर लोगों का यही हाल है। यह क्या होता है, बहुवचन होता है, और इसमें एक से अधिक चीजों की चर्चा की जाती है। तो ये चीज आप समझ लें, अधिकांश लगेगा वहीं जहां पर तुलना की जाएगी, और जहां पर एक से अधिक लोगों के बारे में चर्चा की जाएगी, बताया जाएगा, वहां पर अधिकतर का प्रयोग करेंगे, समझ गए। इसलिए इस हिस्से में त्रुटि है, तो 69 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए ये भी खत्म हो गया। 70 आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए या उसको चुनिए। क्या दिया गया है, सचरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए डैश का स्रोत बन जाता है। देखिए जो अच्छे व्यक्ति होते हैं तो उनकी जो आत्मकथा होती है वह दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत हो जाता है। लोगों के मन में उनकी अच्छाई दिखती है तो उसी अच्छे कार्य को सीखकर मनुष्य भी आगे बढ़ना चाहता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रेरणा का स्रोत। तो यह प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। यहां पर आपको दर्शन, भावना और ऊर्जा दिया गया है, लेकिन सही होगा प्रेरणा। तो 70 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपको अनुच्छेद दिया गया है, और अनुच्छेद में क्या दिया गया है, अनुशासन से तात्पर्य है कि नियम और या फिर या, ठीक है, यहां पर दो चीजें हो सकती है, और या फिर या, ये हो सकता है, लेकिन नियम या व्यवस्था होगा, और का प्रयोग नहीं किया जाएगा। या इसलिए होगा क्योंकि जो नियम बनाए जाते हैं उसको पालन किया जाता है, या फिर व्यवस्था जो बनती है उसमें नियम को संकलित किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर नियम या व्यवस्था का पालन। अगला है, प्रकृति में भी सूर्य डैश पृथ्वी, तो सूर्य चंद्रमा, ठीक है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि नियमों का पालन करते हैं। यदि ये डैश का पालन ना करें, यदि ये नियमों नियमों का पालन ना करें, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मानव जीवन में भी डैश का बड़ा महत्व है, तो मानव जीवन में जो है अनुशासन, ठीक है, यदि मनुष्य अनुशासित रहता है तो बहुत ही अच्छा जीता है, तो यहां पर हो जाएगा अनुशासन, अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में अधिक प्रगति करते हैं, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति
भी अनुशासन द्वारा संभव है, तो यहां पर की का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। 71 में देख लीजिए आपको क्या दिया गया है, या अथवा कोई और, तो हम और नहीं लेंगे और ना ही अथवा लेंगे, हम यहां पर या का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुशासन से तात्पर्य है नियम या व्यवस्था का पालन, तो 71 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या सब दिया गया है, अगला आपको दिया गया है चंद्रमा, ग्रह, नदियां, जल, तो उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, तो 72 का उत्तर आपका ए हो गया। 73 देख लीजिए क्या दिया गया है, अनुभवों, व्ययों, नियमों, परिणामों, तो 73 के लिए देख लेते हैं। 73 के लिए देखिए यहां पर दिया गया था, यदि ये नियमों का पालन ना करें सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ठीक है, यदि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य नियमों का पालन ना करें तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसलिए 73 में हो जाएगा नियमों का पालन। ठीक है, तो 73 का उत्तर आपका सी हो गया। अगला क्या होगा, जीवन, अनुशासन, शासन, मनुष्य, तो इसमें अनुशासन होगा ना। देखिए यहां पर 74 में क्या था, मानव जीवन में भी अनुशासन का बड़ा महत्व है, तो 74 का अनुशासन, और लास्ट में की होना चाहिए। ठीक है, 75 में की दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, तो उत्तर लीजिए 75 का ए हो जाएगा और 74 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो गाद्यांश आपका पूरा हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहां पर क्या दिया गया है, दिए गए चार वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और तीन अशुद्ध हैं, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहां पर क्या दिया गया है, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों त्यों ही ट्रेन चली गई, तो ये आपको ढूंढना है। यहां पर जैसे दिया गया है तो गलत है, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, ये सी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर वैसे ही दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए आपको क्या दिया गया है, दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बतलाने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहां पर दिया गया है चांदी काटना। देखिए चांदी काटना मुहावरा कब प्रयोग में लाया जाता है, जब कोई व्यक्ति मौज कर रहा होता है, बहुत सारे पैसे हो गए और वह मौज मस्ती कर रहा होता है, तो फिर क्या कहते हैं, अरे मेरा दोस्त जो है ना आजकल चांदी काट रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मौज काटना। तो यहां पर देखिए धातु कर्म करना, चोरी करना, लाभ ना होना, मौज होना, ये देखिए है ना, मौज होना, तो 77 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अब देखिए आपको निर्देश दिया गया है, दिए गए शब्दों के पर्याय या फिर समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर आपको दिया गया है सहकार, सहकार का पर्यायवाची जल्दी से बताइए, तो इसका हो जाएगा सहयोग, सहयार, सहयोगिता, सहकारिता, क्योंकि सहकार यहां पर जो सह और कार है, ठीक है, तो सह का मतलब होता है मिलकर, ठीक है, और कार का मतलब हो जाएगा काम, तो मिलकर काम करना, तो ये तभी संभव है जब आपको सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो 78 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। पुस्तक में गलत दिया गया है अंब, अंब अंब जो होता है यह होता है आपका साहूकार के लिए, ठीक है, साहूकार के लिए होता है, सहकार के लिए नहीं। ठीक है, तो यहां पर उत्तर आपका 78 का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 79 आपको दिया गया है वैजंती, तो वैजंती का पर्यायवाची बताइए, वैजंती जो है एक फूल का नाम है और इसका पर्यायवाची आप कहते हैं, तो हो जाएगा पताका और दूसरा हो जाएगा झंडा। ठीक है, तो देखिए यहां पर माला, पताका, पताका दिया गया है बी में, तो 79 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। वैजंती जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, और इसका मतलब होता है पताका या झंडा, तो उत्तर आपका 79 का बी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, और इसमें दिया गया है नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नाविक शब्द यह अयादि संधि है, औजोर ई बराबर आवजोर ई हो जाता है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा नवजोरी, ठीक है, नवजोरिक बराबर नाविक, तो 80 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने करा दिए, तो अब आपको 40 मार्क्स आने चाहिए। यदि आप गलत करते हैं तो 0.50 नेगेटिव मार्किंग है, उतने मार्क्स आपके एग्जाम में कटेंगे। ठीक है, अब है आज का सवाल, तो आज का सवाल क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, सब लोग अपनी राय दें,
यहां पर इसको प्रतिस्थापित करना है। इसके लिए चार विकल्प दिया गया है, जो आपको सही लगता है वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्रश्न है होमवर्क, ठीक है, HW का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि किन्हीं को सीखना है तो वह हिंदी क्लास नंबर 30 जो कि प्रीवियस ईयर का है वो देख लें, करा दिया गया है, उसमें बताया भी गया है, ठीक है। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7979946092 पर, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी दुविधा को दूर किया जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।